वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। वी आर डिस्कसिंग द सेकंड पार्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। कल हमने बात डिस्कस की थी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने डिप्रेशन के बारे में बताया था, व्हाट इज द डिप्रेशन, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में बताया था कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, किस टाइप के ड्रग होती हैं। क्लासिफिकेशन की बात की थी, पहला आपका मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, ये इनहिबिटर्स ड्रग होती हैं जो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज ए एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से फाइबरसिटी और नॉर्डेडीन लेवल जो होते हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स में बढ़ जाते हैं, जो कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट को जनरेट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बताए थे जो नॉर्डेडीन फाइबरसिटी के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ द फाइबरसिटी और नॉर्डेडीन रिसेप्टर साइट बढ़ जाती हैं, जो ऐसे एंटी डिप्रेसेंट एक्शन देते हैं। ऐसे नॉर्डेडीन रीअपटेक इनहिबिटर काम करता है, इसी तरीके से सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी काम करते हैं, जो सेरोटोनिन को रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं और अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपका ए डिबेल एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में बताया था, तो उस पर हमने डिटेल में देखा था मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के लिए। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसे हम TCA ऐसे एब्रिविएशंस बोलते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज द मोस्ट यूज्ड ऐसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ऐसे एमिप्रामाइन इज द मोस्ट पॉपुलर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो यहाँ पर एमिप्रामाइन एक प्रोटोटाइप ड्रग है जिसको लेके चलेंगे। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मोस्टली यूज होती हैं ड्रग, और मोर पोटेंट ड्रग होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में, ठीक है। पहले बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, अगर एमिप्रामाइन या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करते हैं। एमिप्रामाइन एंड अदर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट या NTCS मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग इनहिबिट द रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स ऑफ बायोजेनिक एमीन्स। रीअपटेक ट्रांसपोर्टर जो रीअपटेक कर रहे हैं, जैसे रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको, जो न्यूरो ट्रांसमीटर को, उसको रीअब्जॉर्ब करने वाले रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स बायोजेनिक अमीन्स के होते हैं। रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स और बायोजेनिक अमीन्स सच एस नॉरेडलिन एनए मतलब नॉरेडलिन फाइबरसिटी यानी कि सेरोटोनिन इनटू देयर रिस्पेक्टिव न्यूरॉन्स, यानी कि एमिप्रामाइन या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या करेंगे, ये इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं रीअपटेक ट्रांसपोर्टर और बायोजेनिक अमीन्स। ये बायोजेनिक अमीन्स का रीअपटेक होना, रीअब्जॉर्ब होने फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव न्यूरॉन्स में अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ बोथ नॉरेडलिन एंड फाइबरसिटी एट द रिसेप्टर साइट्स ऑफ एट दियर रिसेप्टर साइड इन द ब्रेन बढ़ जाते हैं, जो कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देते हैं। दिस रिजल्ट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉरेडलिन एंड फाइबरसिटी इन द सिनेप्टिक स्लैब ऑफ द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिनेप्टिक स्लैब यानी ब्रेन में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और द हाई कंसंट्रेशन ऑफ NA नॉरेडलिन एंड फाइबरसिटी प्रोड्यूस एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। और ये हाई कंसंट्रेशन इसके होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको फिगर से दिखा सकता हूँ, अगर आप फिगर से देखें तो क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर फिगर जो है आपका बिफोर ट्रीटमेंट, जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, ये आपकी न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स से आपको जो ब्लू ब्लू करके दिख रहे हैं वो क्या हैं, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, चाहे वो फाइबरसिटी हो सकते हैं या फिर नॉरेडलिन हो सकते हैं, ये रिलीज़ हो रहे हैं। और रिलीज़ होने के बाद जो आपको ब्लैकिश पोर्शन ये वाला दिख रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है, रीअपटेक हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। रीअब्जॉर्ब होने की वजह से क्या है, रीअब्जॉर्ब होंगे और रीअब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा वो पहुँच जाते हैं, और रीअब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि दोबारा रिलीज़ ना हो पाए, जिसकी वजह से अमाउंट क्या होता है, मेंटेन ना रहता है, ज़्यादा रिलीज़ अमाउंट नहीं हो पाता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंडीशन बात हुई। अब बात करता हूँ मैं अक्यूट इफेक्ट ऑफ ड्रग। हमने जब ड्रग थेरेपी स्टार्ट करी, जो ड्रग थेरेपी जब स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि जो आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है जब ये जो ये पोर्शन है, ये क्या है आपका सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या फिर मतलब रीअपटेक है, रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने से क्या होते हैं, ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। जब रीअब्जॉर्ब न्यू ट्रांसमीटर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर इसका लेवल क्या होगा, कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। और जब ये क्या हुआ, अक्यूट इफेक्ट ऑफ ड्रग मतलब जब स्टार्ट किया था, क्रोनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या हुआ, डाउन रेगुलेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक इनहिबिटरी रिसेप्टर्स लीड टू द इंक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यू क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता रहेगा, इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक स्लैट में, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये इन्हांस द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर एक्टिविटी लीड टू द थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, और जिसकी वजह से ये आपका सभी रिसेप्टर से इंट्रैक्ट हो जा रहा है, आप देख रहे हैं, और ये आपका प्रोड्यूस करता है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। आगे रिपीट मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है,
बिफोर ट्रीटमेंट। बिफोर ट्रीटमेंट क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर आप देख रहे होंगे, इसके रिसेप्टर्स जो लगे हैं पोस्ट रिसेप्टिव साइट्स पर, वहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर यानी कि नॉराड्रेनालिन और 5-HT दोनों बाइंड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन मिनिमम है और वो आप बाद में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब हम ड्रग थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो ड्रग थेरेपी स्टार्ट होने की वजह से जो रीअपटेक होने वाला ट्रांसपोर्टर है ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने से क्या है कि न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर कंसंट्रेशन हल्के हल्के बढ़ने लगती है। जब लॉन्ग टाइम क्रोनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, लॉन्ग टाइम जब ड्रग देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, चाहे 5-HT की बात करें, नॉरेडिन की बात करें, दोनों की क्वांटिटी बढ़ गई है और जो रिसेप्टर पर इंटरेक्ट होते हैं और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देते हैं। मैं समझता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रीअपटेक इनहिबिट होने की वजह से इनका लेवल यहाँ बढ़ जाता है और रिसेप्टर से ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे और प्रोड्यूस होता है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे। इन डिप्रेसेंट पेशेंट्स आफ्टर कंटिन्यू थेरेपी ऑफ इमिप्रामाइन, पेशेंट्स बिकम ए मोर कम्युनिकेटिव, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन सेल्फ एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट्स। ठीक है, अगर हम कंटिन्यू थेरेपी करेंगे, लॉन्ग टर्म थेरेपी देनी पड़ती है डिप्रेशन पेशेंट्स में, लॉन्ग टर्म थेरेपी देंगे, कंटिन्यू थेरेपी देंगे, तो उससे क्या होगा, देखने मिलता है कि जो पेशेंट होता है वो कम्युनिकेटिव हो जाता है, लोगों से बातचीत करना शुरू कर देता है, अपना इंटरेस्ट टेकिंग ट्रैकिंग इंटरेस्ट इन सेल्फ, अपने सेल्फ में भी अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, सेल्फ अपने आप में इंटरेस्ट लेता है, सराउंडिंग जो आसपास इन्वायरमेंट है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। साथ में इट आल्सो एलिवेट द मूड ऑफ द पेशेंट, जो मूड ऑफ पेशेंट काफ़ी उदास रहता था, वो उदास जो उसकी उदासी है वो दूर होकर वो हैप्पीनेस मूड में पहुँच जाता है। ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट प्रोड्यूस एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, क्योंकि ये बात भी देखेंगे ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट जितने भी हैं वो आपके एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको बता चुका हूँ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, सिक्रेशंस बॉडी के सब क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि गैस सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, डिक्रीज रिलीज और रिलीज ऑफ गैस सिक्रेशन कम हो जाएगा, सलाइवा सिक्रेशन कम होगा तो ड्राई माउथ हो जाएगा, गैस्ट्रिक अदर इंटेस्टाइनल सिक्रेशन कम हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा इमिप्रामाइन प्रोड्यूस टैचिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन ड्यू टू द एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट एंड एडिनर्जिक इफेक्ट। ये एंटीकोलिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक इफेक्ट, एडिनर्जिक नॉराड्रेनालिन के एक्शन को बढ़ा रहे हैं, नॉराड्रेनालिन के न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से और एंटीकोलिनर्जिक यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैचिकार्डिया और हाइपरटेंशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द इमिप्रामाइन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ADME की। इसको हम इट इज गिवन बाय द ओरल रूट, ओरल रूट से लेते हैं, मेटाबोलाइज इन द लीवर, एक्सट्रेट आउट थ्रू द यूरिन। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है, यानी कि ड्राई माउथ करेगा, बैड टेस्ट है, कॉन्स्टिपेशन, एपिगैस्ट्रिक स्ट्रेस, यूरिनरी रिटेंशन होगा, स्पेशली द मेन इनलार्ज प्रोस्टेट, जिनकी प्रोस्टेट इनलार्ज होती है उनमें यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी, ब्लड विजन होगा, पैपलाइटेशन यानी कि हार्ट जो हार्ट बीट होती है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। और ब्लड विजन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मैड्रेसिस हो जाएगा, मैड्रेसिस इफेक्ट यहाँ पर किसका होता है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से। सेडेशन एंड मेंटल कन्फ्यूजन वीकनेस स्पेशली विद द एमेटेप्टिलिन एंड मोस्ट सेडेटिव कंज्यूमर्स। अगर कोई ड्रग एमेटेप्टिलिन या अदर सेडेटिव ड्रग ले रहे हैं तो उसके साथ में अगर देंगे तो सेडेटिव मेंटल कन्फ्यूजन वीकनेस ये प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। इनक्रीज द एपेटाइट, वेट गेन इज नोटेड इन द मोस्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिन डिप्रेशन। ट्राइसाइक्लिन डिप्रेशन क्या करते हैं, भूख बढ़ा देते हैं पेशेंट, भूख बढ़ा देते हैं उस पेशेंट की, और साथ में वेट गेन भी, वेट वजन भी उस पेशेंट का बढ़ने लगता है, एक इधर साइड इफेक्ट है। इसके अलावा कार्डिक एरिथमिया स्पेशली इन द पेशेंट विद इश्मिक हार्ट डिसीज, कोई इश्मिक हार्ट डिसीज का पेशेंट है तो कार्डिक एरिथमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरडोज ऑफ TCA, ट्राइसाइक्लिन डिप्रेशन के ओवरडोज उनकी वजह से क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा, डिलीरियम होगा, अदर एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम्स आपको सीन होंगे जो कि एट्रोपिन पॉइजनिंग में होते हैं, और ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा हाई डोज दे दी गई तो मसल स्पाज्म और कन्वल्सन और कोमा होने के चांसेस भी पहुंच जाते हैं, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग में हम लोग देखते हैं। अब बात करता हूं मैं इसके, अब ये एडी में हो गया, अब बात करते हैं इसके हम यूज़ की ट्रीटमेंट्स इंट्रैक्शन। ट्राइसाइक्लिन डिप्रेसेंट पोटेंटली द डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पथोमिमेटिक एमीन्स प्रेजेंट इन द कोल्ड और अस्थमेटिक एजेंट। जितनी भी कोल्ड और अस्थमेटिक एजेंट की ड्रग्स होती हैं उनमें जो सिम्पथोमिमेटिक एमीन्स होती हैं उन सभी के एक्शन को ट्राइसाइक्लिन डिप्रेसेंट क्या होते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, नॉराड्रेनालिन के एक्शन को बढ़ाते हैं और वो नॉराड्रेनालिन के जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों का एक्शन मिलकर क्या होगा, पोटेंटेट होगा, बढ़ जाएगा। ट्राइसाइक्लिन डिप्रेसेंट एबॉलिश द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ गोनाडिन एंड क्लोनिडिन बाय प्रिवेंटिंग देयर ट्रांसपोर्ट टू द एडिनर्जिक न्यूरॉन्स। ट्राइसाइक्लिन डिप्रेसेंट क्या करते हैं, जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन गोनाडिन का है, क्लोनिडिन का है, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं बाय द ट्रांस
आइदर प्रिवेंट देयर ट्रांसपोर्ट टू एडिनर्जिक न्यूरॉन्स, ये एडिनर्जिक न्यूरॉन्स तक नहीं पहुँच पाते हैं इसके ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक करने की वजह से, इनका एक्शन क्या होता है अवेलिस हो जाता है। TCA पोटेंटिएट द CNS डिप्रेशन एक्शन, CNS डिप्रेशेंट्स जितने एजेंट हैं उनको एक्शन को पोटेंटिएट करते हैं, इंक्लूडिंग एल्कोहल एंटी एस्टोरेंट ड्रग्स होती हैं उनके साथ में, अगर TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट दिए जाए तो उनको एक्शन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिनोबारबिटोन कम्पटेटिवली इनहिबिट द एज वेल एज इंड्यूस इमिप्राइन मेटाबॉलिज्म, फिनोबारबिटोन अगर इसके साथ में दिए जाए तो ये इमिप्रामाइन या TCA के मेटाबॉलिज रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि फिनोबारबिटोन के साथ TCA देने पर क्या होगा, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट देने पर उसके इफेक्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाता है। इसके अलावा SSRIs में सेरोटोनिन रिअपटेक सेरोटोनिन सेलेक्टिव, एस फॉर सेलेक्टिव, एस फॉर सेरोटोनिन, आर फॉर रिअपटेक, आई फॉर इनहिबिटर्स। SSRIs मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, जो ड्रग हैं जो हमने क्लासिफिकेशन बताई थी उनके ड्रग के लिए, ड्रग इनहिबिट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेवरल ड्रग इंक्लूडिंग TCA एंड डेंजरस टॉक्सिसिटीज कैन बी अकर इफ टू ड्रग आर गिवन कंकरेंटली। अगर सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आपके ट्राइसाइक्लिक के कुछ ड्रग होते हैं इनके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देते हैं, जब मेटाबॉलाइज नहीं होंगे तो एक्टिव कंडीशन में TCA क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब TCA भी हम दे रहे हैं साथ में सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स भी दे रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एंटी डिप्रेशेंट एक्शन दे रहे हैं, साथ में नॉरडीन और नॉरडीन या फाइवेस्टी के लेवल को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डेंजरस टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको साथ में ना दें। अगर दें तो देंगे तो क्या होगा, डेंजरस टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नॉरडीन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और नॉरडीन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, एरिथीमिया कार्डियक एरिथीमिया प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर के साथ में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट्स को ड्रग को कॉम्बिनेशन में अवॉइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के, डीज अवॉइड टू द कार्डियक एरिथीमिया, कार्डियक एरिथीमिया पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि वो हार्ट के रेट को बढ़ा रहे हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं इसलिए, सीजर्स भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ओवरडोज हो जाती है, लिवर डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि ये मेनली मेजर नंबर ऑफ ड्रग को मेटाबॉलाइज को इफेक्ट करते हैं, लिवर डिसऑर्डर में और ज़्यादा इफेक्टेड करेंगे इसलिए लिवर डिसऑर्डर में भी इसे अवॉइड करेंगे। यूज़ की बात करूँ तो यूज़ मेनली आपका दो टाइप, यूज़ मेनली मेजर डिप्रेशन, माइनर डिप्रेशन में मैं ज़्यादा, माइनर डिप्रेशन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन मेजर डिप्रेशन होता तो हमें ड्रग ट्रीटमेंट जरूर पड़ती है, तो मेजर डिप्रेशन में इसे यूज़ करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और फोबिक स्टेट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी इसे यूज़ करते हैं, मतलब बहम होना किसी चीज़ का और फोबिया की स्टेट्स होना, इस हर चीज़ से किसी डर लगना, फोबिया मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए फोबिक स्टेट के ऐसे ही कह सकते हैं, कुछ लोगों को फोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है कि कम्युनिटी में खड़े हुए तो कम्युनिटी में खड़े होकर बात नहीं कर पा रहे हैं, स्टेज पर खड़े जाकर किसी स्टेज या प्लेटफॉर्म पर जाकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फोबिया स्टेट होती है उसमें भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जस्टिन हाँ एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, न्यूरोपैथिक पेन जो डायबिटिक के सिचुएशन में न्यूरोपैथिक पेन होता है उसमें भी ये हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अटेंशन डिफिशियंट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर्स इन ADH इन चिल्ड्रन, ये क्या होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है उनके ब्रेन में, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होने की वजह से उनको उसे अटेंशन डिफिशियंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, उस कंडीशन में भी इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रीमैच्योर इजेक्शन समझ रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के सम टाइम में लॉन्ग टाइम तक इंटरकोर्स ना करें और पहले ही इजेक्शन हो जाता है उस कंडीशंस को भी में भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये प्रीमैच्योर इजेक्शन को अवॉइड करते हैं या रोकते हैं या पीरियड को बढ़ा देते हैं। इन्यूरेसिस मतलब क्या, बेड बिटिंग, यानी कि जो बेड पे पेशाब कर देते हैं, जो बेड बिटिंग की कंडीशंस बन जाती हैं, जो बच्चे जो बेड बिटिंग करते हैं छोटे से पेशाब कर देती हैं, न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होती है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें ये यूज़फुल होते हैं। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में, यानी कि माइग्रेन आपका समझते हैं, माइग्रेन इज द हेडेक ऑफ द ब्रेन्स, जो कि एक साइड से दूसरी साइड में माइग्रेन हो जाता है, लेफ्ट साइड में आज ब्रेन में कहीं पेन हो रहा है तो कल आपके राइट हेड में पेन होगा, तो इस तरह का जो पेन होता है माइग्रेन कहते हैं, उसमें भी यूज़फुल है। और पर्पुरेटिस इज द डिसऑर्डर ऑफ द स्किन्स, जिसमें स्किन में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, एक तरह का इन्फ्लामेशन और एलर्जी होती है उसमें भी ये यूज़फुल है। तो ये सभी इसके यूज़ हो गए ऐसे ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स की। ठीक है, तो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के बाद में आपकी एक ड्रग है वो है एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स।
एटिपिकल एंटीडिपरेसेंट्स क्या हैं? द एटिपिकल एंटीडिपरेसेंट आर मिक्स ग्रुप ऑफ एजेंट डेट हैव एक्शंस एट सेवरल डिफरेंट साइट, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर पे, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे एक्ट होकर ये ऐसे एंटीडिपरेसेंट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। दिस ग्रुप इंडिकेट है ब्यूरोपियन, जिस ग्रुप में क्या कौन कौन सी आती हैं, ब्यूप्रोपियन है, मेटाजेपिन है, नेफाजोडोन है, ट्राजोडोन है, ये सभी ड्रग्स आते हैं। दे आर नॉट नॉट एनी मोर इफिशियंस देन ए ट्राइसाइक्लिक इंटीडिपरेसेंट और SSRIs एंड सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स। वैसे ये सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स से और एंटीडिपरेसेंट से ज़्यादा एफिकेसिस नहीं है, यानी कि ज़्यादा पोटेंट नहीं है, इफिशियस नहीं है, बट देर साइड इफेक्ट प्रोफाइल आर डिफरेंट। लेकिन साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट TCA से, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिपरेसेंट से, SSRIs एंड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स से इनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए इनको आजकल इनका यूज़ बढ़ गया है। अगर कोई मेजर डिप्रेशन नहीं है, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, या कोई कार्डिक पेशेंट है, उस कंडीशन में हम एटीपिकल एंटीडिपरेसेंट प्रिस्क्राइब करेंगे इन द प्लेस ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिपरेसेंट या फिर सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, मैं इसमें एक ड्रग में लेके चलता हूँ आपको, मेटाजेपिन। दिस ड्रग इनहांस द सेरोटोनिन एंड नोरपिन नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स बाई अ मैकेनिज्म रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द प्री सिनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर्स। प्री सिनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर होते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, ये प्री सिनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर होता है, ये मेनली जो आपका नॉरएड्रेनालिन या फेवेसिन रिलीज हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। अगर ये प्री सिनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए तो ये जो कंट्रोल है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में नॉरएड्रेनालिन और फेवेसिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और जब ज़्यादा अमाउंट रिलीज होगा तो आप जानते ही हैं क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटी डिप्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एडिशनली इट मे बी ए आउन एट लीस्ट सम ऑफ द इट्स एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी टू इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द 5-HT2 रिसेप्टर। ये भी देखा गया है कि ये 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से भी एंटी डिप्रेशन इफेक्ट इंड्यूस होता है। इट इज़ ए सेडेटिव बिकॉज इट्स पोटेंट एंटी हिस्टामिन एक्टिविटी, ये एंटी हिस्टामिन मतलब हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं, ये पोटेंट एंटी हिस्टामिन एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये सेडेशन भी इंड्यूस करते हैं। बट इट इज नॉट यूज इन एंटी मस्कुलिनिक साइड इफेक्ट, बट इट डज नॉट कॉज एंटी मस्कुलिनिक साइड इफेक्ट ऑफ ए ट्राइसाइक्लिक एंटीडिपरेसेंट्स। जैसा ट्राइसाइक्लिक एंटीडिपरेसेंट क्या करते हैं, एंटी मस्कुलिनिक यानी कि एंटी कोलिनर्जिक जो इफेक्ट दे रहे थे, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट देते हैं, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट जैसी कोई कंडीशंस या कोई भी तरह की साइड इफेक्ट ये इंड्यूस नहीं करेंगे। और साथ में जो आपका इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल फंक्शन में भी इंटरफेरेंस कर रहे थे उसको भी अफेक्टेड नहीं करते हैं। और सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स जो कि एपेटाइट यानी भूख बढ़ा रहे थे और साथ में वेट गेन की कंडीशन को जैसे इंड्यूस कर रहे थे, उस तरह के साइड इफेक्ट भी मेटाजेपिन में नहीं होते हैं, इसलिए इसको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक या एटिपिकल एंटीडिप्रेशन में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जो पेशेंट हैं जिनको ये साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं उसको अल्टरनेटिव हम एटिपिकल एंटीडिप्रेशन तक दे सकते हैं, जैसे कार्डिक पेशेंट है उसको दे सकते हैं, इसके अलावा कोई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जिसको जो और ज़्यादा सेंसिटिव है उसको दे सकते हैं। ठीक है, मेटाजेपिन इज मार्कडली सेडेटिव क्योंकि ये एंटी हिस्टामिन है, इसलिए विच मे बी यूज इन टू एडवांटेज टू डिप्रेसेंट पेशेंट्स हैवी डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। इसलिए उस पेशेंट को ये अवॉइड किया जाता है जो डिप्रेशन पेशेंट है, जो ज़्यादा सोता है, जो डिफ़िकल्टी हो जाती है, उसे नींद ज़्यादा है तो उस कंडीशन में से अवॉइड करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट में ही एप्लीकेबल। तो इस तरीके से आपका ख़त्म हो गया एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स। मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखेंगे आपका अल्फा टू रिसेप्टर्स है, ये आपका ब्लॉक हो जाता है मेटाजेपिन से, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो नेगेटिव फीडबैक आता है इसकी वजह से वो रिलीज फीडो नहीं आता और रिलीज कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में एंटी साइकोटिक की। ठीक है, जब वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो शेयर करने पर उसकी हेल्पफुल हो तो जरूर से शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।